division on the motion that the bill be passed, subject to correction. Ayes 125, noes 105, abstain 0. The motion that bill is passed is adopted. और इसी के साथ संसद में ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया। लोकसभा में भारी बहुमत से पास कराने के बाद बुधवार दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के उच्च सदन में विधेयक पेश किया था। करीब 7 घंटे की चर्चा के बाद सदन में इस पर मतदान हुआ और सदन ने विधेयक को 105 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल के पास होने को ऐतिहासिक करार दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, भारत और हमारे देश के दया और भाईचारे के संस्कारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन, खुशी है, नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। बिल के समर्थन में वोट करने वाले सभी सांसदों का आभार। ये बिल उन लोगों के कष्टों को दूर करेगा जो सालों से अत्याचार सह रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल के पास होने पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया, नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पास होने के साथ ही करोड़ों वंचितों और पीड़ितों का सपना आज पूरा हो गया है। पीड़ित लोगों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के पीएम मोदी के संकल्प के लिए धन्यवाद। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक के पास होने को ऐतिहासिक बताते हुए ट्विटर पर लिखा, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पारित होने पर सभी को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम लिया गया। भारत के पड़ोसी धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करेगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही प्रभावी बिल पास हुआ है संसद के द्वारा। मैं नरेंद्र मोदी जी और अपने गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो विभेद के शिकार थे, जो अपनी जमीन से उखाड़ दिए गए, जिनकी बेटियां बहनों के साथ बदसलूकी हुआ करती थी, जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे, ऐसे सभी लोगों को आज एक वैधानिक अधिकार दिया गया है और भारत सबों का सम्मान करता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधेयक के पास होने पर खुशी जताई है। द इश्यू ऑफ सीएबी व्हिच इज देयर, द कंसर्न्स दैट वर देयर इन सीएबी have been addressed to a large extent. I again repeat myself when I say the biggest fear in all the people's mind is that will Bangladeshi people, citizens, keep coming into our state? Are we going to be flooded by Bangladeshis in the future once the CAB is done? Absolutely not. The government of India decided to speak to everybody and look at all these concerns and actually address these concerns. So what I'm saying is, once these addresses issues are addressed and our concerns are addressed, my point is, are we going to oppose for the sake of opposing, or are we going to actually look at the issues that are there in front of us and take a stand? विधेयक पास होने के बाद इन तीन देशों से आए विस्थापितों को नागरिकता की उम्मीदें जग गई हैं। उन लोगों ने सरकार के प्रयासों पर खुशी व्यक्त करते हुए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। लोग मोदी सरकार से बेहद खुश हैं। वीजे नु संभाल दे, वीजे ले रहे हैं, 22 साल हो गए, साड़ी सारी उम्र इस वीजे चली गई। आज एक मता पास हुआ, आज सानू खुशी दा, इन ज्यादा खुशी हुई कि संभाल नहीं सकते। इतनी खुशी हो रही है, इतनी कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। और सारे मोदी का धन्यवाद है, हमारी तरफ से प्रणाम है उनको, और हमें इतनी आजादी दे दी जो आज देखो कितनी हो रही है, आप आंखों से देख सकते हैं हमें कितनी। आज तो नींद भी नहीं आने वाली हम लोगों को। विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। अब ये बिल करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में भारी बहुमत से पास कराने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के उच्च सदन में विधेयक पेश किया। विधेयक पेश किए जाने से पहले टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय ने इस पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने सदन को बताया कि इसका मकसद क्या है और कैसे ये करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से
यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला ये बिल है। विभाजन के बाद एक हम सब की कल्पना थी कि जो नागरिक यहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं, वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे। विधेयक पर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है और मोदी सरकार में वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अमित शाह ने विधेयक पर पूर्वोत्तर के लोगों की चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की। पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है, और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए भी हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अमित शाह के बयान के बाद सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस समेत कुछ सदस्यों ने जहां विधेयक का विरोध किया, तो बीजेपी और एनडीए की बाकी सहयोगियों ने इसका जोरदार समर्थन किया। अगर बदलाव लाए थे आपने, बेहतर होता। प्रजातंत्र की ये रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते, जल्दबाजी क्यों? पार्लियामेंट की कमेटी को भेजते, अगले सत्र में इसको लेकर आते। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटी को रिलीजियस पर्सिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना हुई है, और वो लोग भारत में शरण लिए हैं या शरण लेना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट देने का अधिकार देने का काम है। यह मूल बात है। आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान का नागरिक है, सिटीजन, वही उसको अवेल करता है। आर्टिकल 14 की बात है तो सब जानते हैं उसमें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें इंटेलिजिबल जो डिफरेंशियल है और सब्सटेंशियल जो डिस्टिंक्शन है, उसका बहुत स्पष्ट मतलब है, और उसी के आधार पर अपने देश में बहुत कानून बने हैं और ये कानून बना, तो इसलिए हम लोग इसका, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। पूर्वोत्तर के सांसदों ने भी विधेयक का जोरदार समर्थन किया। बाकी जो स्टेट के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है, जैसे 371 पर ये लागू नहीं होगा, आईएलपी एरिया में वो लागू नहीं होगा, सिख सिदिल में वो लागू नहीं होगा, और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे जगह पे उन्होंने सुरक्षित रखा जिन लोगों ने, जिसके ऊपर शंका था। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है, जबकि मोदी सरकार में वो पूरी तरह सुरक्षित है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और इसी के तहत ये मैं कानून लेकर आया हूँ। माननीय कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो, कोई भी आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? माननीय, ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के, आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा ना होना चाहिए, और मैं कहता हूँ माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। गौरतलब है कि नागरिकता कानून में बदलाव के लिए लाए गए इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इस कानून के क्या विभिन्न पहलू हैं, सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इससे पहले ही 5 बार संशोधन हुए, तो इस बार जो संशोधन हुआ है वो क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? देखिए, हमारे यहाँ विभाजन के समय एक बड़ी समस्या पैदा हुई। बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत में रहने को विस्थापित होना पड़ा, और पड़ोसी देशों में खासतौर पर पाकिस्तान और उसके बाद फिर बांग्लादेश। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, उस समय एक बड़ी तादाद मूल भारतवंशियों की इन दोनों देशों में थी, एक बड़ी आबादी थी। धीरे धीरे ये तो जनसंख्या के रेशियो कहते हैं कि उस समय 23% हिंदू पाकिस्तान में रहते थे, आज 3% आबादी है। साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न, प्रताड़ना इस किस्म से हुआ, राजनीतिक तौर पर भी, लेकिन
भारत में रह रहे लोग जो उस समय 71 की लड़ाई में आए, 47 में आए, बहुत अरसे तक उनको यहाँ शरणार्थी के तौर पर रहना पड़ा। वो नागरिकों के मूल अधिकारों से वंचित थे, नागरिकता से वंचित थे, बाकी सहूलियतों से वंचित थे। जिस तरीके की सरकार की योजना का लाभ एक आम आदमी को मिलता है, उससे वो वंचित थे। घर नहीं थे रहने के उनके लिए और दर दर वो भटकते थे। और आज भी अनेक इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार की मूल भावना यही रही कि जो मूल भारतवंशी आसपास के देशों में रहते हैं और जिनको सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार है, और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा इनिशिएटिव सरकार का है, सरकार ने एक अभिनव पहल करी, उनको आज नागरिकता भी मिलेगी और सम्मान का जीवन जीने को मिलेगा और सरकार की सहूलियतें मिलेंगी। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस, टीएमसी और दूसरी जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो इस कानून का इसलिए विधेयक विरोध कर रही हैं कि उनका कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बेशक धर्म के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन उसकी भावना उसी किस्म से थी और उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल विभाजन का हुआ। जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान बने और उस पाकिस्तान के वो सरपरस्त बने, और स्वाभाविक तौर पर मजहब के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम एक बड़ी आबादी जो पाकिस्तान में बसी, यहाँ से शिफ्ट भी हुई। लेकिन भारत ने उदारता के साथ उस समय के हमारे नेतृत्व ने यहाँ के लोगों का, बेशक पाकिस्तान हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको किसी भी सरजमी पर रहने का हक है। इसलिए बड़ी बहुतायत में एक मुस्लिम आबादी भारत में भी रही। और भारत एक ऐसा देश है जो बिना किसी पंथ मजहब के भेद के यहाँ सबको संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र में एक आज़ादी की अभिव्यक्ति की और रहने की ये स्वतंत्रता है। और आज मैं सोचता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज कहीं है तो मुसलमान जो सबसे ज़्यादा अधिकारों का उपयोग करता भारत में करता है, उसको इबादत की, इज्जत की आज़ादी है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, खासतौर पर हिंदू जो पाकिस्तान रहे और विभाजन के उस दौरान आ नहीं पाए, उसके बाद कालांतर में वहाँ की सरकारें वो मजहब के आधार पर चलती रही और हिंदुओं के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ वहाँ पर। ये तथ्य कहते हैं, इतिहास कहता है और वहाँ के समाचार कहते हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो ये स्थिति बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश में भी इसी किस्म से विस्थापित हिंदू जो हैं उनको बहुत प्रताड़ना हुई और उसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में किस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ एक शरणार्थी की ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। तो मुझे लगता है कि सरकार किसके पीछे किसी पंथ या मजहब की भावना नहीं थी, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि एक बड़ी आबादी सिखों की, हिंदुओं की, ऐसे बहुत मूल भारतवंशी पारसी भी थे, ईसाई भी थे, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम जो आबादी है वो तो पहले से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में उस मज़हब के आधार पर रही रही है। भारत में भी उनको आज़ादी है, लेकिन ऐसे तमाम वो लोग जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये तमाम लोगों ने भी इस बात की मांग सरकार के समक्ष रखी अनेक अवसरों पर। 71 में भी लगभग 65,000 लोगों को यह नागरिकता मिली है और उसी प्रक्रिया में आवश्यकता थी कि उनको भी सम्मान मिले, वो महफूज ज़िंदगी जिए। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कहीं इसमें धर्म का या मजहब का कोई कारक रहा होगा। लेकिन भारत के जाए, जब एकीकृत भारत था उस समय जो लोग भारत के नागरिक थे, भारत में इज्जत और सम्मान से रहते थे अंग्रेजों के आगमन से पहले, क्योंकि ये कंधार से लेकर पूरा हिंदुस्तान उस समय एक था और नागरिक भी सब लोग एक ही थे, उनको आवश्यकता थी कि भारतवंशी के नाते उनको नागरिकता मिले और वो जीवन स्वतंत्रता का और सम्मान का जीवन जिए। दीपक जी, पार्टियों का मानना है कि ये जो विधेयक है वो मुसलमानों के खिलाफ है और भारत का जो कानून है उसका अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार जिसकी बात करता है उसका कहीं कहीं उल्लंघन करता है, आप इसको सहमत है इस बात से? विपक्षी दल हैं वो सरकार की भावना या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के भी अनभिज्ञ हैं। खासतौर पर इसको उस नज़रिए से देखने की कतई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक केवल नागरिक के नाते नहीं, इस देश में मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है और अभी तक की जो राजनीति रही वो वोट बैंक के इर्द गिर्द केंद्रित रही। ये पहली सरकार है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं, पारसी भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, सिख ईसाई भी, सभी शामिल हैं। इसलिए जो विपक्षी पार्टियों की आपत्ति है वो वोट बैंक की आशंका से है कि उनको एक वर्ग को तुष्ट करना है, उनको राजी रखना है कि वो उनके हक की बात कहेंगे, बेशक वो बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ बात कहेंगे तो उनको लगता है उनका वोट बैंक पुख्ता होगा। तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, और ख़ासतौर पर सरकार ने बिना किसी भेद के ये निर्णय किया है, इसको किसी जाति और पंथ के नज़रिए से देखना मुझे लगता है विपक्ष की एक किस्म की
वोट बैंक की राजनीति ज्यादा लगती है। कांग्रेस है या जितने भी विपक्षी दल है इस कानून को मुस्लिम उसका प्रचार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लेकर आम लोगों में जागरूकता करे, ऐसा कोई पार्टी की तरफ से किस तरह का इनिशिएटिव शुरू हुआ है, कुछ कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस नागरिकता कानून को प्रदेश की सरकार ठीक तरीके से लागू करे और ऐसे तमाम लोग जो अभी राजस्थान में खासतौर पर बाड़मेर, गंगानगर, जोधपुर इन सीमावर्ती जिलों में विस्थापित की तरह रह रहे हैं, उनकी पहचान करके उनको नागरिकता दिलाने में वो योगदान दे। सरकार से मांग भी करेंगे, आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, एक जन जागरण अभियान हम चलाएंगे कि सरकार के इस केंद्र को लोग निर्णय को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। ऐसे तमाम लोग जो शरणार्थी हैं, विस्थापित हैं, जिनको नागरिकता की आवश्यकता है, उसमें पार्टी मदद करेगी। अगर राजस्थान की बात करें तो सीमांत क्षेत्र में हजार की संख्या में पाक विस्थापित लोग रह रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है, और कई वर्षों से वो भारत की नागरिकता रहे, आपको लगता है ये जो कानून बनाए इसके बाद उनको बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? वो मुझे लगता है कि कई तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कभी सपना रहा होगा कि जो बहुत अरसे से आए और अभी तक भी वो भटकते रहे, बहुत सारे लोग हैं कि जिनके काफ़ी लोग दूसरे देशों में रिश्तेदारी के तौर पे थे वो आए, कुछ रोजगार के तौर पर आए, कुछ वहाँ से प्रताड़ित होकर आए, कुल मिलाकर हिंदुस्तान ने उनको अस्थायी रूप से शरण बेशक दी होगी लेकिन नागरिकता उनका सपना रहा होगा, तो ऐसी बड़ी तादाद होगी जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिलाएं भी, बच्चे भी और हर लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए सपना पूरा होगा और इसके लिए केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, मैं ये मानता हूँ कि अनुच्छेद 370 ट्रिपल तलाक के बाद ये तीसरा बड़ा अवसर है कि जब एक बड़े मुद्दे का समाधान हुआ है और लोगों को सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ इस कानून के खिलाफ कई स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनकी चिंता है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उस पर कहीं ना कहीं प्रभावित होकर, तो उनकी इन चिंताओं को भारतीय जनता पार्टी किस तरह दूर करने की कोशिश? विपक्ष का दुष्प्रचार भी है और एक किस्म से उस चीज़ को हवा ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक अवसर था कि जब बांग्लादेश के घुसपैठियों ने असम की लोक संस्कृति को, वहाँ के आदिवासी समुदाय की पहचान को ख़त्म कर दिया था, एक ऐसा समय आ गया था कि बड़ी तादाद में उनके मतदाता पहचान पत्र बने और बांग्लादेशी घुसपैठी आइडेंटिफाइड थे कि जो असम की विधानसभा तक पहुँच गए थे और ऐसी थ्रेट थी कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में भी थे। मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र को एक बड़ा खतरा होता, ये गनीमत थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में असम में सरकार बनी, तो एक जो दुष्प्रचार है वहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों में, मुझे लगता है कि उसके कारण इसको हवा दी जा रही है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों की न तो संस्कृति इससे नष्ट होगी, न किसी किस्म से उनकी अभिव्यक्ति और बाकी आज़ादी से किसी तरीके की छेड़छाड़ होगी, लेकिन उनको ज़रूर दर्द है कि जो बड़ी आसानी से घुसपैठ कर लेते थे और भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, वो लोग ज़रूर इसमें पीछे से सर देश में और पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैला रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जैसे अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान था जी, वो अलग अलग पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और इसका कोई योग्य समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। पंजाब, बंगाल और केरल की जो सरकारें हैं, वहाँ की राज्य सरकारें, उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, हालांकि जो संविधान विशेषज्ञ वो मानते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संवैधानिक तौर पर तो ये अब कानून के दायरे में आ गया लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद में, और मुझे लगता है कि भारत की संसद से बड़ी कोई नीति निर्धारक संस्था नहीं है, उसने जब कोई कानून किया है तो निश्चित रूप से सरकारें राजनीतिक तौर पर इस बारे में रेसिस्ट कर सकती हैं लेकिन कानूनी तौर पर नहीं कर सकती। उन तमाम नागरिकों को इस सरकार को राहत देनी पड़ेगी और ये तो तथ्य बताते हैं, पी चिदंबरम जी के समय खुद यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और इस बात के लिए लगभग 1200 लोगों के लिए ये कहा कि इनको नागरिकता दी जाए, और इसलिए एस्टेब्लिश है कि उस समय सिख और हिंदू दो कौमों के लिए खास तौर पर उन्होंने उल्लेखित किया था, तो मुझे लगता है कि केवल राजनीति से प्रेरित है क्योंकि इस समय की उस समय की परिस्थिति में बहुत अंतर नहीं है, विस्थापित आज भी हैं, शरणार्थी आज भी हैं, तो मुझे लगता है केवल केंद्र की एक बड़े फैसले के खिलाफ ये सरकार केवल राजनीति से प्रेरित, तुष्टिकरण से प्रेरित विरोध अवश्य कर रही है लेकिन कानूनी तौर पर वो बाध्य हैं कि इस कानून को लागू करना चाहिए। देश में इस समय लोकतंत्र सही दिशा में है और लोकतंत्र हमारी ताकत है और उसमें जैसे मैंने कहा कि भारत दुनिया का अनूठा देश है,
जहां बिना किसी पंथ जाति मजहब के यहां भारत की उस संविधान में लिखित आज़ादी की अभिव्यक्ति की आनंद लेते हैं, इबादत का भी, इज्जत का, सम्मान का। तो ये जो चीज़ कही जा रही है इसमें मुझे कहीं ये तथ्य लगता नहीं है कि इस वजह से कहीं कोई गतिरोध होगा या कहीं किसी के सम्मान में, सुरक्षा में दिक्कत आएगी। इसलिए केवल ये प्रचारित किया जा रहा है, नागरिकों को खुद भयभीत किया जा रहा है ये कह के। मुझे लगता है कि भारत में सभी धर्मों के, पंथ के मतावलंबी सभी यहाँ सुरक्षित हैं, किसी तरीके की असुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कह के उस वोट बैंक की राजनीति की तरफ इशारा जरूर करते हैं जिसके कारण उनको एक भय है कि कहीं उनका जनाधार नहीं खिसके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तार से इस कानून के बारे में आपने हमारे डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत की। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस कानून के बारे में विस्तार से अपनी पार्टी की राय रखी और बताया कि किस तरह यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राहत प्रदान करेगा।